क्या भाई ग्रुप पर से भाई तो आज जशपुर बोल रहे थे भाई खुश हो रहा है जल्दी वीडियो मैन भाई छप रहा है राकेश सर आइए ना राकेश सर आइए ना फाइट कर सब रिलेशन के बारे में पूछ लो ओके रेडी रोलिंग रोल गया रोलिंग राकेश जी क्या कहना चाहोगे आज प्रेयर मीट भी रखा है आपकी मम्मी का सो बस जितने भी मम्मी के और राखी के और हमारी फैमिली के शुभ चिंतक है और हिंदुस्तान की सारी पब्लिक को मीडिया को धन्यवाद देने चाहता हूं कि आपकी वजह से मॉम को आप लोगों ने शांति देने के लिए यहां तक आए इस श्रद्धांजलि में आए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप लोग सब आए और मम्मी को जो श्रद्धांजलि आज मिल रही है बस एक फैमिली के लिए जिसके बिल्डिंग की मतलब बहुत बड़ा लॉस है फैमिली को खासकर राखी को और मुझे क्योंकि मॉम ही सब कुछ थी हमारे लिए आज तक हम जो कुछ भी बने हैं जो कुछ भी हासिल किया हमने इस दुनिया में वो सिर्फ माँ की वजह से राखी से भी हमारी दो तीन बार बात हुई लेकिन कहीं ना कहीं राखी भी बहुत परेशान है वो कह रही है कि आदिल भी छोड़ने की बात कर रहे हैं बार बार जब जब अपने घर का सहारा निकल जाता है ना तो सब जगह से प्रॉब्लम्स तो आती है अब उसे भी प्रॉब्लम आ रही है और मैं सिर्फ ये समझ रहा हूँ कि माँ के जाने का गम जो राखी को हुआ है वो उसमें बहुत अपसेट है बहुत टेंशन में है उसने सोचा नहीं था कि बिग बॉस मराठी से डायरेक्ट निकलने के बाद उसे ऐसा देखना पड़ेगा कि माँ नहीं रही वो एक खुशी से आ रही थी कि मैं बिग बॉस में जीत कर आई हूँ और माँ को जाकर मिलूँगी उससे गले लगूँगी लेकिन जो माँ की उसने स्थिति देखी वो अपनी याददाश्त खो चुकी थी किसी से बात नहीं कर रही थी तो ये जो शौक उसको बैठा था वो शौक दिखाई दे रहा है माँ के जाने के बाद वो थोड़ी सी अपसेट हो गई इसलिए कुछ भी बोल रही है और जो वो बोल रही है अपने होश में नहीं है मैं तो सिर्फ जनता को ये कहूँगा कि बस हाथ जोड़ के विनती कि उसकी बातों का बुरा ना माने उसकी बातों का गलत मतलब ना उठाए मैं भी जानता हूँ कि माँ के मरने के बाद ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए एटलीस्ट 13वीं तक जो एक शोक है माँ के जाने का लेकिन माँ के जाने का उसको इतना शौक गिरा है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही है और ये जो अपने आप को नहीं संभाल पा रही है इसलिए वो जो भी बोल रही है उसके होश में नहीं है वो मैं तो सब यही कहूँगा कि आदिल उसके जो रिश्ते हैं वो एक महीने दो महीने के बाद अगर वो सॉल्व करे तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि आदिल को भी ऐसी शोभा नहीं देता ये सब करना कि अगर आपने हाथ संभाला है तो पूरा करो या तो आप दिखावा कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए अगर आप पब्लिसिटी ले रहे हो तो वो नहीं करना चाहिए माँ अब भी गई है तो थोड़ा सा तो धीरज रखो थोड़ा सा तो माँ के लिए सोचो मैं ये कहूँगा कि आप बहुत बड़े हीरो बनो आप बहुत बड़े आदमी बनो लेकिन माँ हमारी जो गई है वो मेरी और माँ की माँ गई है राखी की माँ गई है तो बस आदिल को ये समझना चाहिए कि हमारे घर का एक बहुत बड़ा पिलर गया है जो बिल्डिंग की चारों पिलर गिर चुकी है तो बिल्डिंग गिर चुकी है इसे संभालने में बहुत वक्त लगेगा और मैं चाहता हूं कि राखी के जो फैंस हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि प्लीज़ उसे संभाल लो अभी वो आज उसे आपके प्यार की ज़रूरत है आपके सपोर्ट की ज़रूरत है हमारे पूरे फैमिली को आपकी ज़रूरत है क्योंकि माँ के जाने के बाद इतना आसान नहीं होता उभर के आना सालों लग जाते हैं ये तो सिर्फ आज से 7वां दिन है मैं तो बस मीडिया से यही चाहूँगा कि आप इतना फैलाओ कि राखी को घर घर तक ये बात पहुँचे उनके फैंस के पास और सब उसे प्रे करें उसके लिए उसकी बुद्धि के लिए उसके दिमाग के लिए उसकी अच्छा सोचे वो आगे बढ़े माँ का जो सपना था पूरा करना है दोनों भाई बहन को मिलके तीनों भाई बहन को मिलके उषा भी मेरी एक बहन है हम फैमिली को आपकी आज सपोर्ट की ज़रूरत है भाई बस और कुछ नहीं कहना चाहूँगा बस हाथ जोड़ के विनती है कि आज राखी को और मुझे और मेरी पूरी फैमिली को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है।